गुड मॉर्निंग हेलो इंडिया, वेलकम टू आवर चैनल NS हेलो इंडिया। टुडेज स्टोरी, सूझबूझ का काम। तारा मेडकी का एक छोटा सा परिवार था, वह और उसके दो बच्चे। बस बहुत दिन पहले उसके पति को सांप ने खा लिया था। पति के मरते समय उसके बच्चे बहुत छोटे थे। तारा ने बड़े धैर्य और लगन से पाल पोसकर उन्हें बड़ा किया था। स्वयं कष्ट झेले पर बच्चों को किसी भी प्रकार का पिता की कमी अनुभव नहीं होने दिया। तारा समझदार थी, वह जानती थी कि बच्चों की सबसे बड़ी निर्माता माँ ही होती है। अपने बच्चों को प्रारंभ से ही अच्छी आदतें सिखाई। दोनों बच्चों का नाम पप्पू और गप्पू था। वे दोनों बहुत ही होशियार थे। वे माँ की सीख के अनुसार चलते, बड़ों का कहना मानते, उनका सम्मान करते। सारे ही पड़ोसी उन्हें बहुत प्यार करते। पप्पू गप्पू थोड़ा बड़े हुए तो तारा उन्हें विधिवत प्रशिक्षण देने लगी। उन्हें तैरना, कूदना, गाना, पढ़ना सब कुछ आ गया। इन सब में उसका आधा दिन बीत ही जाता था। एक दिन तारा ने सोचा कि जितनी देर में केवल अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं गांव के और भी बच्चों को अपने पास बुला सकती हूँ, जिससे पड़ोसियों की मदद भी हो जाएगी और मेरे पास कुछ काम भी नहीं है तो मैं उनकी मदद भी कर पाऊँगी। शाम को जब पड़ोसी ने सब काम निपटा कर साथ बैठी तो पप्पू और गप्पू की माँ ने बोला कि मैं अपने बच्चों के साथ तुम्हारे बच्चों को भी पढ़ा दूंगी, जिससे तुम अपना काम आसानी से कर सकोगी और मैं भी तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। सभी को ये राय बहुत अच्छी लगी। सभी तैयार हो गए। दूसरे दिन से दो तीन पड़ोसियों के बच्चे तारा के घर पढ़ने आने लगे। तारा बड़े प्यार से बच्चों को पढ़ाती, इससे सभी को बहुत पसंद आता। अब सभी मेडकियों ने अपने बच्चों को उसके यहाँ भेजना प्रारंभ कर दिया। तारा के यहाँ पढ़ने योग्य बच्चों की इतनी भीड़ जमा हो गई कि बैठने तक की जगह अब ना बची और उन्हें खुले में क्लास लेनी पड़ी। तारा एक दिन पड़ोसी की बातें सुनकर उसकी नज़र से यह बात छुपी नहीं और एक दिन उसने तारा के पास आकर कहा, दीदी तुम हमारे बच्चों को शिक्षा देती हो और इसके बाद तुम अपने लिए खाना तलाशती हो, जो कि वो तुमसे हो नहीं पा रहा है, तो क्यों ना तुम हमारे बच्चों को सिर्फ पढ़ाओ और हम तुम्हारे लिए खाना तलाशें, जिससे कि तुम्हारा पूरा ध्यान अपने काम पर रहेगा और तुम्हें तनाव और ना हमें तनाव, किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। तारा को इसमें क्या परेशानी हो सकती थी, उसने हाँ कर दी। बस फिर क्या था, सभी पड़ोसियाँ छलांग लगाकर एक दूसरे को सूचना दे आईं। दिन प्रातःकाल एक नया स्कूल का उद्घाटन हो गया। उसका नाम तारा विद्यापीठ रखा गया। समारोह में मेडक मेडकियों ने खुशी से जोर जोर टर टर करके मंगल गीत गाए। मेडकों के बच्चों ने फुदक फुदक कर सामूहिक नृत्य किया। दूसरे ही दिन तारा विद्यापीठ में विधिवत पढ़ाई शुरू हो गई। बच्चे अधिक थे, इसलिए तारा ने पढ़ाने के लिए कुछ मेडकियों को और नियुक्त कर लिया। तारा आचार्य जी बन गई। सभी उसे बड़ी दीदी कहते और उसका सम्मान आदर करते। तारा विद्यापीठ में ना केवल पढ़ाई अच्छी होती थी, अपितु वहाँ अनुशासन और सदाचार पर भी बल दिया जाता था, अपितु उनके और बच्चों के स्वावलंबन, साहस, संगठन, आत्मरक्षा पर भी, सदाचारी और ज्ञानी बनने पर भी उतनी ही आवश्यकता होती। नीति और अनीति के अंतर को समझाया जाता। यही कारण था कि तारा विद्यापीठ के सभी शिक्षार्थी और बच्चे, शिक्षार्थी और शिक्षक सूझबूझ से काम लेते थे और बड़े ही बुद्धिमान थे। एक दिन दोनों शिक्षिकाएं मेडकों के बच्चों को पिकनिक के लिए पास के जंगल में ले गई। मौसम बहुत अच्छा था। लौटते समय सभी को लेट हो गई। सभी ने खूब मौज मस्ती करी। छोटे छोटे समूहों में वो पट गए। दो बच्चे पीछे रह गए। रास्ते भर बड़े उछल कूद करते आ रहे थे। वे थोड़ी देर खूब तेजी से दौड़ते तो कुछ देर चुपचाप रास्ते में बैठ जाते। उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करते, बड़ी देर से वे यही खेल कर रहे थे। शिक्षिकाओं ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, पर बच्चे अपनी ही धुन में।
सहसा एक घटना घटी। दोनों बच्चे अपने साथियों से बहुत दूर निकल गए और उन्हें अपने जंगल के पास ने एक सांप दिखाई दिया। सांप ने पूछा, बच्चों तुम कहाँ रहते हो? बच्चों ने उत्तर दिया, घर के पास के जंगल में। ओ, अभी काफी दिन बाकी हैं, आने जाने में काफी जल्दी है, तुम दोनों हमारे मेहमान क्यों नहीं बन जाते? हमारे इस जंगल में बहुत सी अच्छी चीजें हैं, बिना खाए हम तुम्हें जाने ना देंगे। सांप की ऐसी बातें सुनकर बच्चों के मन में कुछ शंका हुई। उनकी मीठी मीठी बातें सुनकर उन्होंने सोचा, कहीं ये हमें बहका तो नहीं रहा है, हमें खा तो नहीं जाएगा, शारीरिक बल तो उनमें था। उन्होंने बुद्धि से काम लिया और इशारा करके बोला, ताऊ जी आज तो बिना खाए पिए घर से क्यों जाएंगे, हम दोनों तो आपके जंगल की अच्छी स्वादिष्ट चीजें खाकर ही जाएंगे। सांप भी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, आज तो उसके यहाँ दावत थी। वह सोच रहा था कि दावत में मेंढकों का मांस कहकर कैसा मजा आएगा, कोई अच्छी चीज अकेले थोड़ी ही खाई जाती है। ऐसा बच्चों ने बोला और कहा कि हमारे साथ चलते तो बड़ा अच्छा लगता, अब तो वे चले गए, क्या मैं अपने दो अन्य दोस्तों को बुला लाऊं? कल तो पता नहीं हमारी माँ यहाँ आने की आज्ञा दे या नहीं, वे हमसे थोड़ी ही दूर निकल गए होंगे, अगर आप कहें तो हम उन्हें दौड़कर वापस बुला लाते हैं। मेंढक का बच्चा बोला, कितने मित्र हैं? सांप ने पूछा। 8 उत्तर मिला। यह सुनकर सांप के मुंह में पानी भर आया, आज तो दावत में मजा आ जाएगा। उसने मन ही मन फिर जोर जोर से बोला, जाओ बच्चों ठीक है, जल्दी से बुला कर लाओ, मैं थोड़ी देर तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। दोनों बच्चे तेजी से छलांग लगाकर सांप की आंखों से ओझल हो गए और विद्यालय पहुंच गए। विद्यालय जाकर अपनी तारा दीदी को जंगल में घटी घटना बताई। सभी ने उनकी सूझबूझ की बात को की प्रशंसा करी और दूसरे दिन समारोह में दोनों बच्चों को पुरस्कार दिया गया। तारा ने एक छोटा सा भाषण देकर कहा, बच्चों संसार में छल कपट धूर्तता अपनाने वालों की कमी नहीं है, बुद्धिमानी इसमें ही है कि अपने सीधेपन से उनके चंगुल में ना फंसे और अपनी सूझबूझ का परिचय देकर उस परेशानी से बाहर आ जाए। सदाचारी होना तो हम सबका कर्तव्य है, पर समय पड़ने पर दुर्जनों से निपटना भी आना चाहिए। जीवन में विविध स्थितियों में अपनी सूझबूझ सफल हो सके ऐसा अभ्यास करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं, और आगे की कहानी सुनने के लिए और नई नई रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। NS Hello India। थैंक यू।